मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मोरो होता है। मोरो वहाँ मौजूद एक आदमी से एक बच्चे के बारे में पूछता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो बच्चा यहाँ आ गया है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि हाँ वो बच्चा यहाँ आ चुका है। इसके बाद मोरो उसे कहता है कि वो बच्चा यहाँ सेफ नहीं है, क्योंकि शैतान के आदमी कभी भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ सकते हैं। और इस टाइम उस बच्चे के लिए सबसे सेफ जगह पुराना किला है, जो कि शहर से काफी दूर है, और उस बच्चे को वहां तक सिर्फ एक ही आदमी पहुंचा सकता है, और वो है घोस्ट राइडर। जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा यहाँ पर भी सेफ है, और ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है। और तभी अचानक उन पर किसी का हमला होता है, और ये हमला कोई और नहीं बल्कि शैतान के आदमी उन पर कर रहे थे। मोरो तुरंत वहां से बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। अगले सीन में हम बच्चे को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, जो कि अपने बच्चे को वहां से लेकर भाग रही होती है, और तभी वहां मोरो आ जाता है। लेकिन बच्चे की मॉम को किसी पर भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो मोरो पर गन पॉइंट करके उसको उनसे दूर रहने को कहती है। नेक्स्ट सीन में बच्चे को उसकी मॉम के साथ कार में भागते हुए देखते हैं। मोरो और शैतान के आदमी दोनों उनका पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद शैतान के आदमी मोरो पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे खाई में गिरने लगता है। लेकिन गिरते गिरते मोरो शैतान के आदमी पर फायर करने लगता है, जिससे उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इधर मोरो खाई में गिरने से बच जाता है, और अब वो बच्चा और उसकी मॉम वहां से सेफली आगे निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम मोरो को एक सुनसान गोडाउन के अंदर जाते हुए देखते हैं। अंदर जाने पर उसे जॉनी मिलता है। जॉनी पिछले 8 सालों से अपने घर से दूर एक गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता है। वो मोरो से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर मोरो उसे एक बच्चे की फोटो दिखाता है और उसे एक आखिरी बार घोस्ट राइडर बनकर उस बच्चे को बचाने को कहता है। वो जॉनी से कहता है कि तुम बस इस बच्चे को पुराने किले तक पहुंचा दो, और इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। जिस पर जॉनी हैरान होकर उसे पूछता है कि भला मुझे क्या चाहिए। मोरो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस कर से आजादी दिलवा सकता हूँ। जॉनी भी अब घोस्ट राइडर बनकर थक चुका था, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही रात होती है, जॉनी घोस्ट राइडर बनकर बच्चे को बचाने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में उस बच्चे को देखते हैं, जिसे ब्लैकआउट नाम के एक आदमी ने पकड़ रखा था। ये आदमी दरअसल शैतान के लिए काम कर रहा था। अब कुछ देर बाद वहाँ घोस्ट राइडर आ जाता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालता है और बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ब्लैकआउट और उसकी टीम उस पर अटैक कर उसे घायल कर देते हैं और बच्चे को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जॉनी की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। बाहर आने पर उसे उस बच्चे की मॉम दिखती है, जो जॉनी को देखकर वहां से भागने लगती है। जॉनी उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़की जॉनी पर गन तान देती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और मुझे तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तभी जॉनी उसकी गन पकड़कर अपने सर में रख देता है और उसे कहता है कि अगर तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रिगर दबाकर मुझे मार दो। जिस पर वो लड़की गन नीचे कर लेती है। वो जॉनी से कहती है कि जैसे कल तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया था, वैसे आज भी क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो। जिस पर जॉनी उसे कहता है कि हाँ मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, कल मुझे तुम्हारे बेटे की मौजूदगी फील हो रही थी लेकिन आज नहीं हो रही। ये सुनकर वो लड़की काफी घबरा जाती है। वो जॉनी से कहती है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। जिस पर जॉनी उसे कहता है कि नहीं तुम घबराओ नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे उसकी मौजूदगी फील नहीं हो रही है। अब अगले सीन में हम ब्लैकआउट को उस शैतान के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो आदमी ब्लैकआउट से कहता है कि तुम मेरी बात उस बच्चे से कराओ, और अब जैसे ही वो फोन को बच्चे के कान में लगाता है, शैतान उसके कान में कुछ बोलता है और इसके बाद अचानक वो बच्चा चीखता है और बेहोश हो जाता है। वो शैतान ब्लैकआउट से कहता है कि अब घोस्ट राइडर इस बच्चे को फील नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम संभल कर रहना क्योंकि वो तुम्हें जरूर फील कर सकता है। और यही वो रीजन था जिसे घोस्ट राइडर उस बच्चे को फील नहीं कर पा रहा था। अब अगले सीन में हम घोस्ट राइडर को ब्लैकआउट के सामने देखते हैं। वो वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक कर मार डालता है, और इसके बाद वो बच्चे की मॉम को पकड़कर कहता है कि तुम भी एक बुरी औरत हो, तुम में और ब्लैकआउट में कोई फर्क नहीं है। और तभी वो बच्चा घोस्ट राइडर को उसकी मॉम को छोड़ने को कहता है। इधर घोस्ट राइडर जैसे ही उसकी मॉम को छोड़कर उस बच्चे की तरफ बढ़ता है, उसे बड़ा ही अजीब महसूस होने लगता है, और अगले ही पल वो घोस्ट राइडर से जॉनी में बदल जाता है। अब अगले सीन में हम उस शैतान को देखते हैं। वो वहां जाकर ब्लैकआउट से पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है, जिस पर ब्लैकआउट कराहते हुए उसे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं मर रहा हूँ। तब वो शैतान उसे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना है। और इसके बाद वो ब्लैकआउट के चेस्ट में अपना हाथ रखता है और उसको अपनी कुछ पावर्स देता है, जिसे वो भी अब एक शैतान बन जाता है और उस बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। अब मूवी का प्लॉट पास्ट में जाता है, जहां हम उस लड़के की मॉम को देखते हैं, जिसने अभी भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो बस मरने ही वाली थी, और तभी वहां वो शैतान आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना होगा। वो लड़की इसके लिए तैयार हो जाती है, और अब वो शैतान उसे कहता है कि तुम्हें अपनी कोख से मेरे बच्चे को जन्म देना होगा, ताकि जब वो 13 साल का हो तो मैं अपनी सारी पावर्स उसमें डाल सकूं और खुद को एक नया शरीर दे सकूं। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम तीनों को मोरो के साथ उस पुराने किले की तरफ जाते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद तीनों वहां तक पहुंच जाते हैं। अब वादे के मुताबिक मोरो जॉनी को एक कमरे में भेजता है, जहां उसके अंदर से घोस्ट राइडर को निकाल दिया जाता है, और अब जॉनी बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था। वो बहुत खुश होता है, और जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, वो देखता है कि जिसके पास वो लोग बच्चे को बचाने के लिए लाए थे वही उसे मारना चाहते थे। उनका कहना था
कि इस बच्चे पे शैतान की पावर्स है और ये बच्चा हमारे लिए और हमारे इस पवित्र किले के लिए खतरा है। इसके बाद वो जैसे ही बच्चे की गर्दन काटने के लिए तलवार उठाते हैं, ब्लैकआउट वहां आ जाता है और वो एक एक करके सभी को मार डालता है और उस बच्चे को लेकर शैतान के पास चला जाता है। अब उस बच्चे के सामने होने पर वो शैतान अब अपनी पावर्स को उसमें ट्रांसफर करने की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, वो उसे धीरे धीरे पोजेस करना शुरू करता है। दूसरी तरफ हम जॉनी, मोरो और उस बच्चे की मॉम को देखते हैं जो कि उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां उस बच्चे को रखा गया था। जॉनी और मोरो आगे बढ़ते हैं जबकि बच्चे की मॉम स्नाइपर लेकर दोनों का रास्ता साफ करती है। अंदर जाकर मोरो जॉनी से कहता है कि तुम अंदर जाओ और मैं यहाँ बाहर सबको देखता हूँ। जॉनी अंदर जाकर उस शैतान के मुंह में एक पंच मारता है और उस बच्चे को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो बच्चा पूरी तरह से शैतान के कंट्रोल में था। वो जॉनी को अपनी पावर से उठाकर फेंक देता है। उधर दूसरी तरफ ब्लैकआउट अब मोरो के सामने आ जाता है और उसे मार डालता है। इसके बाद ब्लैकआउट जॉनी को मारने उसके पास जाता है, लेकिन जॉनी उस बच्चे से कहता है कि बेटा ये तुम्हारी असलियत नहीं है, तुम एक इंसान हो, खुद को संभालो। इसके बाद वो बच्चा शैतान से कहता है कि आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना, आप जैसा चाहता है मैं वैसा ही बनूंगा। और इसके बाद वो तेजी से जॉनी के पास जाकर अपने मुंह से आग उगलने लगता है जिससे जॉनी को घोस्ट राइडर की पावर्स वापस मिल जाती है और अब वो वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। लेकिन वो शैतान और ब्लैकआउट उस बच्चे को लेकर वहां से भाग जाते हैं। घोस्ट राइडर अपनी बाइक में उनका पीछा करता है और एक एक करके सबको मार डालता है। इसके बाद वो ब्लैकआउट को भी मार देता है। अब वो अपनी चेन निकालकर कार का एक्सीडेंट कर देता है। कुछ देर बाद जब वो शैतान उस कार से बाहर निकलता है, घोस्ट राइडर अपनी चेन निकालकर उसको खूब ऊंचाई तक उछालता है और उसे सीधे जमीन में पटक देता है। वो शैतान अब जमीन के अंदर जाने लगता है और नीचे नर्क में जाकर फाइनली उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम वहां बच्चे की मॉम को देखते हैं। वो घोस्ट राइडर को देखकर डर जाती है और वहीं रुक जाती है, लेकिन घोस्ट राइडर उसे कुछ नहीं करता। वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसकी मॉम को दे देता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जॉनी फिर से अब एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और अगले ही पल उसके हाथों से लाल आग की जगह नीली आग निकलने लगती है। जॉनी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि मैं अपने अंदर एक अच्छी पावर और पॉजिटिविटी महसूस कर रहा हूँ। और अब इसके बाद जॉनी उस बच्चे के फेस में अपना हाथ रखता है जिससे वो तुरंत होश में आ जाता है। अब होश में आते ही वो जॉनी से पूछता है कि क्या हम जीत गए, जिस पर जॉनी उससे कहता है कि हाँ बेटा हम जीत गए। और अब अगले सीन में हम घोस्ट राइडर को एक अलग ही अवतार में देखते हैं। वो अब सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी घोस्ट राइडर बन सकता था। वो अब लोगों को मारने नहीं बल्कि उनको बचाने के नए सफर में निकल जाता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।